रामगढ़ इलाके में प्रोफेसर गजेंद्र सिंह फोगाट द्वारा रामलीला का उद्घाटन किया गया। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, साथ ही रामलीलाओं का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया। रामगढ़ इलाके में प्रोफेसर गजेंद्र सिंह फोगाट द्वारा रामलीला का उद्घाटन किया गया। वहीं फोगाट ने उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचकर भगवान श्री राम के चरणों में दीप प्रज्वलित कर रामलीला का उद्घाटन किया और भगवान श्री राम के आदेशों पर चलने का काम किया। वहीं इस कार्यक्रम में कई पंचायतों के लोगों ने पहुंचकर रामलीला में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में शामिल हुए और गजेंद्र सिंह फोगाट ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सबको भगवान श्री राम के आदेशों पर चलना चाहिए। वहीं इस मौके पर पूर्व सरपंच रघु सिंह सैनी, मुरली लाल शर्मा और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुरेश सैनी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह फोगाट को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और कार्यकर्ताओं में आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी मदद करने का पूरा भरोसा और आश्वासन दिया। वहीं रामलीला में दर्शकों की संख्या देखकर प्रोफेसर गजेंद्र सिंह फोगाट ने अभिभूत हो गए और उन्होंने आचार संहिता का ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का उपहार देने से मना कर दिया। साथ ही ग्रामीणों द्वारा बताए गए अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करने का आश्वासन दिया। हम आज हमारे बीच में रामलीला का उद्घाटन महोदय रामचरितमानस माननीय गजेंद्र सिंह फोगाट साहब ने आए और ज्योति प्रचंड का रामलीला का शुभारंभ किया। इस गांव की ओर से हार्दिक अभिनंदन बताया और आशा विश्वास है होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी परम सम्मानीय गजेंद्र जी को उन्होंने बताया कि हम सभी 33 से आभार करते हैं।